अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारी फोन की भी घंटी बजे। इस लड़की की दीवानगी में दूध वाले तक बन गए थे सलमान खान। ऐश्वर्या या कैटरीना नहीं है, इसका नाम कुछ और है। बॉलीवुड के दबंग खान यानी कि सलमान खान नाम बॉलीवुड में कई हसीनाओं के साथ जोड़ा जा चुका है, जैसे कि संगीता बिजलानी, सोमी अली, कैटरीना कैफ, ऐश्वर्या राय बच्चन और ऐसे में कई नाम, सारे नाम हैं जिनके साथ सलमान का अफेयर की खबरें आ चुकी हैं। लेकिन इसमें से भी किसी भी सलमान खान के साथ शादी के बंधन तक पहुंचने से पहले ही इनका रिश्ता टूट गया है और ना ही अभी तक सलमान खान की कोई रिलेशनशिप अभी तक शादी के करीब तक आया है। लेकिन आज हम आपको जिस एक्ट्रेस के बारे में बताने जा रहे हैं, सलमान खान की एक ऐसी लव स्टोरी है जिसके बारे में शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, इनका नाम भी नहीं जानते होंगे। आज हम जिसके बारे में बताने जा रहे हैं वो सलमान खान की अभिनेत्री सईसा सेंगल भी है। सहानी सफरी से शादी करना चाहते थे सलमान खान को। सहानी सफरी से प्यार हुआ तब सलमान खान की उम्र महज 19 साल की थी। उस जमाने में सही जफरी कॉलेज में पढ़ाई करती थी और सलमान खान सहीन को इस कदर प्यार करते थे कि सलमान सहानी को इस कदर प्यार करते थे कि सलमान खान अपने पहले प्यार को देखने के लिए घंटों घंटों तक कॉलेज के बाहर सहानी जफरी का इंतजार किया करते थे। खबरों की माने तो जसीम खान की बायोग्राफी में कहा गया है कि सलमान खान सहीन के घर पर दूध और ब्रेड भी पहुंचाया करते थे और सहीन के लिए सलमान खान दूध वाले तक बन गए थे। जब सलमान और सहीन की मुलाकात हुई थी तब सलमान खान बॉलीवुड इंडस्ट्री में नए अभिनेता थे और दोनों को आपस में प्यार हो गया और बात शादी तक पहुंच गई थी, लेकिन इनकी शादी कभी ना हो पाई। सलमान और सहीन की शादी ना होने का मुख्य कारण संगीता बिजलानी। संगीता उस समय की मशहूर मॉडल और 1980 की मिस वर्ल्ड रह चुकी थी। उन दिनों संगीता ने अपने बॉयफ्रेंड विजू अली से ब्रेकअप कर लिया था। संगीता अक्सर होटल सी रॉक में उसी हेल्थ क्लब में नजर आती थी। सहानी जफरी और सलमान खान का रिश्ता किसी भी अभिनेता से छिपा नहीं था, मगर तभी सलमान खान की जिंदगी में बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अभिनेत्री संगीता बिजलानी और सलमान खान की सहीन से दूरियां बढ़ने लगी और इनका रिश्ता खत्म हो गया। हालांकि बाद में सलमान का संगीता बिजलानी से भी ब्रेकअप हो गया।